नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों से कई महीनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ड्रोन के जरिए गंभीर घटनाओं को लेकर आगाह किया था। अमरिंदर ने नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और गृह मंत्री अमित शाह से भी इन्हीं मुद्दों पर मुलाकात की थी। हैदराबाद में रविवार सुबह बारिश के बीच तेज रफ्तार ऑडी ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो रिक्शा के यात्री की मौत हो गई और ड्राइवर घायल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में जोरदार टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा कई बार घूमकर कुछ दूर तक जाता दिख रहा है। बकौल रिपोर्ट्स, कार चालक समेत तीन लोग गिरफ्तार हो गए हैं। हिंदुस्तान के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाते रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में हुए चुनाव को किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि राज्य की जनता ने जिताया था। बकौल सिंह, लोकतंत्र चलाना कंपनी को चलाने जैसा नहीं है। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा, पेट्रोल और डीजल से जो पैसा आ रहा है वो किसी नेता के पास जा रहा है क्या? बकौल सिंह, वो पैसा उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसके बेटे को जरूरत है इलाज की। देश के लोगों को दिवाली तक निशुल्क अनाज दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, दिल्ली में मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन 1.5 साल का अनुभव देखें तो हमें किसी भी हालत में ढील नहीं बरतनी चाहिए। बकौल हर्षवर्धन, उचित व्यवहार और अधिक से अधिक टीकाकरण से भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग जीत सकता है। ट्विटर ने सोमवार को एक्टिविस्ट और वकील प्रशांत भूषण के कोविड-19 टीकों को लेकर 2 ट्वीट को भ्रामक बताया और 12 घंटे के अंदर उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। भूषण ने टीकों पर संदेह के कारण बताते हुए कहा था, स्वस्थ युवाओं में कोविड-19 के गंभीर प्रभाव या मौत की आशंका बेहद कम है, लेकिन टीकों से मौत की आशंका अधिक है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, रोहतास नगर में स्कूल बनने का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं व गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा। बकौल सिसोदिया, स्कूल का गेट तोड़कर बीजेपी नेताओं ने अंदर महिला शिक्षकों, इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। सिसोदिया ने घटना की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तमिलनाडु के चेन्नई के कोयम्बेडु फ्लाईओवर पर एक कैब में आग लगने से उसमें सवार 50 वर्षीय शख्स की जलकर मौत हो गई। दरअसल कैब की पिछली सीट पर बैठा यात्री घटना के दौरान बाहर निकलने के लिए दरवाजा नहीं खोल सका था। हालांकि कैब का ड्राइवर बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन वो भी 50% झुलस गया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य के मानसिक रूप से बीमार लोगों को 4 सप्ताह के भीतर कोविड-19 वैक्सीन लगाने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए जिसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता मिले। वहीं राज्य सरकार को 2 अगस्त तक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जुलाई में कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 करोड़ खुराक उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। बकौल बघेल, प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है कि राज्य में वैक्सीन की 9,98,810 डोज बची है, जो 3 दिन के लिए ही पर्याप्त है। कोविड-19 महामारी के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी आर्थिक राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, पैकेज को कोई परिवार अपने रहने, खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि ये पैकेज नहीं, एक और ढकोसला है। वित्त मंत्री ने 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जारी रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक PIL को खारिज कर दिया है। बकौल SC, याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 का हवाला देकर बाकी निर्माणों को रोकने की मांग नहीं की, इसलिए उनकी मंशा पर हाईकोर्ट का फैसला सही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार रात एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सो रहे परिवार पर चढ़ गई, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे में महिला का पति और दो बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के SI BB वाघेला ने बताया कि आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए दो कम तीव्रता के धमाकों की जांच का जिम्मा गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है। इसके अलावा NSG का विशेष बम निरोधक दस्ता स्टेशन पर पहुंचकर विस्फोटक की जांच कर रहा है, साथ ही हमले में स्थानीय हैंडलर्स की भूमिका की भी जांच कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 102 दिन बाद COVID-19 के 40,000 से कम नए मामले मिलने के बाद तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हुई। अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय मामलों में 82, लद्दाख में 27, मिजोरम में 108 और त्रिपुरा में 34 मामलों की वृद्धि दर्ज हुई। देश में 5,52,660 सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रेजिडेंशियल सोसाइटी के 50 वर्षीय गार्ड को झुग्गी में रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची पर यौन हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बकौल पुलिस, रविवार दोपहर आरोपी बच्ची को अपनी झुग्गी में ले गया। जब बच्ची रोकर शोर मचाने लगी तो वो भाग गया, जिसके बाद पड़ोसियों ने बच्ची के अभिभावकों को इसकी सूचना दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई 2021 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने COVID-19 संकट रहने तक प्रवासी कामगारों के लिए कम्युनिटी किचन सेवा जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पोर्टल विकसित करने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 40,845 मामले सामने आ चुके हैं और इस संक्रमण से 3,129 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक मंच पर कहा कि इनमें से 34,940 लोगों को COVID-19 व 26,187 को COVID-19 के साथ मधुमेह भी था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में COVID-19 रोधी टीकाकरण से जुड़ी एक खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्चे को 56 वर्ष का बताकर टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। उन्होंने इसके साथ लिखा, मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। बच्चे के पास प्रमाण पत्र का संदेश 21 जून को आया था। फेसबुक ने सोमवार को पहली बार $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्यांकन की उपलब्धि हासिल की। दरअसल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिग्रहण को लेकर फेसबुक के खिलाफ दायर अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन की शिकायत को एक अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद ऐसा हुआ। अदालत ने कहा, कमीशन फेसबुक का एकाधिकार साबित करने में विफल रहा। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।